हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल टेक्निकल एम कैडियर में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पिकअप गाड़ी आप किस ड्राइविंग लाइसेंस से चला सकते हैं। तो फ्रेंड, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि हमें पिकअप चलाना है, जैसे हमें महिंद्रा बोलेरो का पिकअप चलाना है या कोई सा भी पिकअप चलाना है तो हम किस ड्राइविंग लाइसेंस से चला सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स बताऊँगा कि किस ड्राइविंग लाइसेंस से आप पिकअप चला सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके अलावा अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड और भी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस के प्लेलिस्ट में जाकर के आप ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देख करके जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि पिकअप चलाने के लिए हमें कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहिए। तो फ्रेंड, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि आप किस ड्राइविंग लाइसेंस से पिकअप चला सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो महिंद्रा बोलेरो का पिकअप है या कोई सा भी पिकअप गाड़ी है वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। तो फ्रेंड, ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चलाने के लिए फ्रेंड पहले हम LMVTR ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ता था। तो LMV का मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल और TR का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो फ्रेंड, ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियों को चलाने के लिए हमें LMVTR का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ता था, और यदि हमारे ड्राइविंग लाइसेंस पे LMVNT लिखा होता था तो हम ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियों को छोड़ करके सब गाड़ियां चला सकते थे। तो फ्रेंड, अब मैं बता दूं कि आप किस ड्राइविंग लाइसेंस से अपना पिकअप गाड़ी चला सकते हैं। तो फ्रेंड, जुलाई 2017 से नियम चेंज हो चुका है। अगर आपके पास LMV ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अपना जो पिकअप गाड़ी है वो चला सकते हैं। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे LMVNT लिखा हो या LMVTR लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे LMV लिखा होना चाहिए। अगर LMV लिखा है तो आप अपना पिकअप गाड़ी चला सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपके पूरे डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि किस ड्राइविंग लाइसेंस से हम अपना पिकअप गाड़ी चला सकते हैं। फ्रेंड, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जुलाई 2017 के पहले अगर हमारे पास LMVTR ड्राइविंग लाइसेंस रहता था तभी हम ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियों को चलाते थे, लेकिन फ्रेंड अब नियम बदल चुका है। अगर आपके पास LMV ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियां और नॉन ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियों को भी चला सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं एक बात और आपको बता दूं कि अगर आपके गाड़ी का ग्रॉस वेट 7500 किलोग्राम से नीचे है तभी आप अपने LMV ड्राइविंग लाइसेंस से चला सकते हैं। अगर आपके गाड़ी का ग्रॉस वेट 7500 किलोग्राम से ऊपर है तब आप LMV ड्राइविंग लाइसेंस से नहीं चला सकते हैं, उसके लिए आपको HMV ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, हैवी मोटर व्हीकल। तो फ्रेंड, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा कि ग्रास वेट होता क्या है। ग्रास वेट का मतलब है फ्रेंड आपके गाड़ी का वजन प्लस जो आप माल लादते हैं उस पे उसका वजन, दोनों वजन को मिलाकर के ही ग्रास वेट बोला जाता है। तो फ्रेंड, अगर आप नहीं जानते होंगे ग्रास वेट तो आप अपने गाड़ी के RC में देख लीजिएगा, उस पर लिखा होगा ग्रास वेट। तो ग्रास वेट के बगल में ही लिखा होगा कितना वजन है, उस पर लिखा होगा। अगर 7500 किलोग्राम से नीचे होगा तभी आप LMV ड्राइविंग लाइसेंस से अपना पिकअप गाड़ी चला सकते हैं या कोई और भी गाड़ी चला सकते हैं। तो फ्रेंड, पिकअप गाड़ी तो 7500 किलोग्राम से नीचे ही ग्रास वेट रहता है तो पिकअप गाड़ी आप आराम से चला सकते हैं LMV ड्राइविंग लाइसेंस से। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपने जाना कि पिकअप गाड़ी किस ड्राइविंग लाइसेंस से चला सकते हैं। तो फ्रेंड, ये रही छोटी सी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।